ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज की रैली में संयोजक आदरणीय मित्रवर सरजू राय जी, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष के पुरोधा जिसको कमांडर इन चीफ कहा जाए ऐसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव यहां समुपस्थित वरिष्ठ जन मातृशक्ति और साक्षियों, भ्रष्टाचार को तो हम में से हर एक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भुगत रहा है। अब पूरे तंत्र की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे जलेबी में चाशनी घुसी रहती है, वैसे ही पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। हर कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी दूसरे मौके पर भ्रष्टाचार को भुगतता है। रेलवे कंडक्टर रेल के रिजर्वेशन में कुछ पैसे बनाता हो तो घर में जाने के बाद बिजली बिल के बारे में वही पैसा उसको देना पड़ता है। एक तरफ से लो, दूसरी तरफ से दो, तकलीफ में रखो, तकलीफ में रहो, ये हम सब के हालात हो गए हैं। तो जैसे बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, उस ट्रैफिक जाम में कौन सी गाड़ी पहले निकले और उसमें इतना जाम रहता है कि पीछे गाड़ियां आती ही चली जाती हैं, तो घंटा दो घंटा तो कोई हिलने की फुर्सत और मौका ही नहीं रहता है। वैसे ही हमारे देश में भ्रष्टाचार की हालत इस समय है। अभी अभी मैं आ रहा था जब निरसा से, तो ऐसा बताया गया कि मान लो स्कूलों में अगर लगना है जो बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए लोहे का त्रिशूल ऊपर लगा रहता है, अब उसी का टेंडर, उसी का ठेका अब बन भी गया कि नहीं बना, और 100 से ज्यादा तो अगले दिन चोरी हो गया यही लिखा दिया गया, बिना लगे भी चोरी हो जाता है, और कंप्लेंट करे तो धमकी मिलेगी। हमें याद है पिछले दिनों में जब दिल्ली में मिलने आए अपने कोलियरी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल्स थे, राष्ट्रीयकरण होने के पहले कर्मचारियों के लिए शुरू किए गए, बाद में राष्ट्रीयकरण हो गया, अब फिर प्राइवेटाइज हो रहा है, उनका दर्जा क्या रहेगा, उनका ग्रेड क्या रहेगा, उनके सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, इसके बारे में नरसिंह राव के समय में वे लोग जाकर मिले थे और वो किस्सा अभी तक सुलझा नहीं। सभी प्राइम मिनिस्टर्स से वे लोग मिले थे, नरसिंह राव, देवेगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन सब से मिलने के बाद सब लोग कहते हैं कि हां आपका मुद्दा ठीक है, और प्रधानमंत्री के स्थान पर होने के बाद भी कुछ सैकड़ों लोगों के रोजी रोटी के बारे में वे आश्वस्ति नहीं दे पाए। नीचे के अफसर हमेशा घुमाते रहे, टालते रहे, तरह तरह के तर्क दे करके विषय को वैसा का वैसा पड़ा रहने देते रहे, प्रधानमंत्री तक को गुमराह करते रहे। ये आज के सत्ता तंत्र की अवस्था है जो हम लोग रोज बरोज भुगतते हैं। मित्रों, उसमें एक नया और दौर आ गया है, इसमें सरकारें, सरकार चलाने वाले लोग, ये सब शामिल हो गए। ऐसी स्थिति बन गई जिसमें अभी मेरा एक दोस्त पत्रकार नागपुर का बस्तर जिले में घूम कर आया था, उसने आकर हमको कहानी बताया। उसने कहा कि गोविंद जी, सरकारों के अस्तित्व की सार्थकता पर ही सवालिया निशान लग गया,
क्यों? क्योंकि समाज में, सभ्य समाज में सरकारों का गठन इसलिए होता है कि वो उनका बचाव कर सके जो खुद का बचाव नहीं कर सकते. स्टेट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दोज हु कैनॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. बेबस, लाचार, कमजोर, असहाय, उनके हक और हितों की रक्षा करना, इसके लिए ही सरकारों का गठन होता है. लेकिन उस पत्रकार ने मुझे कहा कि मुझे तो अजब सा लगा कि उस इलाके में, एक दंतेवाड़ा के पास के इलाके में 10 किलोमीटर गुना 20 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें बसे हुए, सैकड़ों साल से बसे हुए आदिवासियों को खदेड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, और उनको वैकल्पिक कुछ दिया भी नहीं गया. वे अपने जिंदगी के लिए, अपने आजीविका के लिए जगदलपुर में, दंतेवाड़ा में, रायपुर में भटक रहे हैं. कहीं कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है. और उनको खाली कराने में केंद्रीय सुरक्षा बल के भी लोग लगे थे, और प्रदेश की सरकारों का जो अमला है वो भी लगा हुआ था. तो जिनसे गरीब और कमजोर की हिफाजत की उम्मीद की जाए, वही लोग बड़े काटपरे घराने के हैसियत और उनकी जरूरतों के लिए उन गरीबों को उजाड़ दे, तो फिर आगे आशा किससे बचती है? ये भ्रष्टाचार का आलम धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंचा है कि धनपति संवेदनहीन नौकरशाह और भ्रष्ट राजनेता, इनका एक नापाक गठजोड़ बन गया है. एक दूसरे का संरक्षण करते हैं और आम आदमी का शोषण और पीड़न करते हैं. इनसे उम्मीद की जाती थी कि उन गरीब लोगों के कम से कम हित की रक्षा करें, लेकिन अपने लालच में संवेदनहीन होकर ये अब उत्पीड़न करने का हथियार खुद बन रहे हैं. ऐसी स्थिति में उम्मीद किससे लगाएं? सभी सरकारें लगभग एक सी दिखती है. रावण की लंका में सब 52 गज के दिखते हैं. सत्ता बदल कर दे तो सांपनाथ की जगह नागनाथ बैठे दिखते हैं. किससे राहत की उम्मीद लगाए? ये आम आदमी इस असमंजस में है, वो संभ्रम में रहता है. क्या फायदा? एक अजब सा डिप्रेशन, अवसाद समाज में आता दिखाई पड़ता था. लेकिन मित्रों, हाल में हुए कुछ वर्षों के जन आंदोलनों ने फिर से आशा जगाई है, समाज में भरोसा जगाया है कि नहीं, इन स्थितियों से पार पाया जा सकता है. इसी में रामदेव जी का आंदोलन हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, श्री श्री रविशंकर का प्रवचन हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कोर्ट केसेस की बात हो, और अन्य संगठनों के द्वारा भी माहौल बनाए जाने की बात हो, सबने मिलकर इतना तो भरोसा जगाया है. हाँ, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस संकल्प तक सब लोग पहुंच रहे हैं. ये मैं देश में घूमता हुआ देख रहा हूं. इसलिए एक राजा के जेल जाने पर तालियां बजती हैं, एक चिदंबरम के जेल जाने की संभावना पर तालियां बजती हैं. इसलिए जेल में तिहाड़ में पिज्जा बनने लगेगा, इस कल्पना से खुशी भी आती है और हंसते हैं लोग, क्योंकि लोग अब इन बातों से मुक्ति चाहते हैं दोस्तों. और अगर ऐसे बात है तो मैं आपको एक पुराना आख्यान बताना चाहता हूं, वही लड़ाई का तरीका होगा. रावण की लंका में सब 52 गज के दिखते हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष का भेद मिट गया है. ऐसी हालत लोकतंत्र की बन गई है जिसमें मानो फुटबॉल का मैदान हो, 11 खिलाड़ी उधर, 11 खिलाड़ी उधर, इधर उधर के लोग गोल दागे, इधर के लोग बचाएं. सत्ता पक्ष गोल दागे, जनहित के खिलाफ कदम उठाए तो विपक्ष के लोग उसका मुकाबला करें, तभी लोकतंत्र चलता है. लेकिन मित्रों, आज की विडंबना यह हो गई है कि इधर के 11 खिलाड़ी भी उधर के 11 खिलाड़ियों से मिल गए हैं, 22 खिलाड़ी मिलकर गोल दाग रहे हैं जनता के खिलाफ. अब जनता के हक और हित की रक्षा करेगा कौन? और जब फुटबॉल का मैच ही बेईमानी हो जाए और पूरी राजनीति आईपीएल का एक विकृत संस्करण बनता चले, तब
दर्शक तीर खाने से ही 11 खिलाड़ी उतरने पड़ेंगे, नई टीम बनानी पड़ेगी जनता के हक और हित की रक्षा के लिए। इसी बात को हम और एक तरह से समझें, वो था वामन अवतार। एक राजा बलि थे, दानव थे, उनसे मुक्ति पानी थी, कोई तरीका नहीं था, जकड़ा हुआ समाज था, तो एक भगवान का अवतार हुआ वामन अवतार। वो आए बलि के पास, कहा कि आप तो बहुत दानी हैं, हमेशा दान देते हैं, कहे हुए बात से मुकरते नहीं हैं, दे ही डालते हैं, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सही है? बलि ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। फिर कहा वामन ने, क्या हमें भी दान मिलेगा? हाँ हाँ, जो मांगो वो मिलेगा। तो वामन ने कहा हमें 3 कदम जमीन दे दीजिए। वामन के कहते ही बलि ने कहा तथास्तु, दिया। वामन ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, संकल्प लीजिए। तो वामन के कहने पर बलि ने कहा ठीक है, जैसा संकल्प तुम करा लो, आप अंजलि में पानी लीजिए और मैं संकल्पित आपको करूंगा 3 कदम जमीन के लिए। बलि ने कहा बिल्कुल ठीक है। वामन ने कमंडलू उठाया, उन्होंने अंजलि आगे की, जल को गिराने की कोशिश हुई, कमंडलों से जल बाहर नहीं आया। जल नहीं आएगा अंजलि में तो संकल्प कैसे होता? और तब इधर उधर देखा वामन ने, तो दिखा कि दानवों के गुरु शुक्राचार्य अपनी कुर्सी से, अपने आसन से गायब हो गए हैं। इधर उधर और सूक्ष्म दृष्टि से देखा वामन ने तो पहचान लिया, ओहो ये शुक्राचार्य अपनी सिद्धि के कारण छोटा रूप बनाकर कॉर्क ढक्कन की तरह से कमंडलों के मुहाने पर बैठ गए हैं। वो वामन के असली रूप को जानते थे शुक्राचार्य, बलि भले ही न जानता हो, इसलिए अपने मालिक के हित रक्षण के लिए वो कमंडलों के मुहाने पर बैठ गए कि न पानी निकले न संकल्प हो पावे। उन्होंने कहा बलि को था कि तू जानता नहीं है, ये सामान्य बालक नहीं है, इसकी बात में मत आओ। लेकिन बलि आ गए थे। अब वामन को भी लगा कि अब क्या करें, तो वामन ने चुपचाप जिस आसन पर वो पहले बैठे थे, वो कुशा का आसन था, तीखा सींक होता है उसमें, उन्होंने उस आसन में से एक सींक निकाला और सींक निकालकर जो कमंडलों का मुहाना था उसको भेदा। वो सींक शुक्राचार्य के आंख में जाकर भिदी तो शुक्राचार्य दर्द से बिलबिलाकर कमंडलों से बाहर लुढ़क गए और जल प्रवाहित हुआ, संकल्प पूरा हुआ, दान की प्रक्रिया पूरी हुई। वामन ने 3 कदमों में आकाश पाताल भूमि सब नाप लिया, 3रा कदम कहां रखे सवाल था, तो बलि के सिर पर वामन ने अपना कदम रखा। तब से बलि को पाताल में जाकर रहने की मजबूरी आ गई। मित्रों, आज भी जरूरत है धारदार सीख की। ये धनपति संवेदनहीन नौकरशाह और भ्रष्ट राजनेताओं का यह नापाक गठबंधन शुक्राचार्य के रूप में भारत के विकास की धारा देश के अंतिम आदमी तक न पहुंचे, इसके लिए कमंडलों के मुहाने पर बैठी हुई है। इसलिए उस सीख से इस नए दुष्चक्र, इस शुक्राचार्य की आंख को भेदना होगा, यही आगे की रणनीति होगी। मित्रों, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्राचार्य की आंख भेदने की धारदार सीख अगर होनी है मित्रों, तो उसका तरीका भी होगा। हल्के फुल्के प्रेस प्लेटफॉर्म प्रसिद्धि प्रोटेस्ट या पैरवी और हल्की फुल्की राजनीति या पैसे की राजनीति, इससे मुकाबला करते हुए, उन्हीं तरीकों का अवलंबन करते हुए हम धारदार सीख नहीं बन सकेंगे। बदलाव की बात कह रहे थे ये सारे राजनीतिक दल, आज महात्मा गांधी शर्मा जाएंगे कांग्रेस में जो रहा हो,
दीनदयाल जी शर्मा जाएंगे, बीजेपी में जो हो रहा हो, डॉक्टर लोहिया शर्मा जाएंगे, जब अखिलेश यादव बिल गेट्स से सलाह मांगने की बात कहेंगे, लोहिया जी की वैसे ही तिलांजलि दे चुकेंगे। आज मार्क्सवादी अगर मार्क्स को ले जा रहे हैं, अगर अंबेडकरवादी अंबेडकर को ले जा रहे हैं, तो रास्ता बनता है नया ढांचा, नया तरीका, नए औजार और नए लड़ाके यही वक्त को बदलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और ये अगर करना है मित्रों, इसमें साधना लगेगी, इसमें परिश्रम लगेगा, इसमें पैसे का मुकाबला पसीने से करना पड़ेगा दोस्तों, और जो जहां है उसे वहीं लड़ना पड़ेगा। समाज को ना कहना सिखाना पड़ेगा, समाज को हम नहीं सहेंगे ये सिखाना पड़ेगा। उसके लिए नौजवानों को भी आगे आना होगा, कुछ छोड़ना होगा, कुछ त्याग करना होगा, कुछ जोखिम उठाना होगा। लड़ाई तो तभी हो पाएगी, समझौतों से लड़ाई नहीं हुआ करती, समर्पण से लड़ाई नहीं हुआ करती मित्रों। खुद तकलीफ उठाने की जब जज्बात में संकल्प आता है, तभी जन आंदोलन जन संघर्ष का रूप धारण करता है। इसलिए विशेष तौर पर जिनको आगे की लंबी जिंदगी जीना शेष है, ऐसे नौजवानों के लिए यह चुनौती है। जो चुनौती को समझ ही न सके वो तो निरा बच्चा है, और जो चुनौती को देखकर समझकर आंख कर बगल बचाकर निकल जाए वो बूढ़ा हो गया है। और चुनौतियों को दो दो हाथ करने का साहस जिसमें आता है वही नौजवान है। और नौजवानों से आगे की उम्मीद भी यही की जाएगी मित्रों। और अगर ये होना है तो जो जहां है वहीं पर, और हम तो इतना तो कर सकते हैं ना कि सत्ता और संपत्ति को सम्मान की बजाय सही और अच्छे लोगों को सम्मान हम देना सीखें, और गलत लोगों का बहिष्कार करना भी सीखें। जो संस्थाओं के लोग कार्यक्रम अपने करते हैं, वे कार्यक्रम की व्यवस्था के सिलसिले में पैसे की जरूरत के लिए गलत तरीके के पैसे से बड़े आयोजन करने से बचे, तो यही भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई का संदेश होगा। कम खर्च में हम काम चलाएं, इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई तेज हो पाएगी दोस्तों। और इसमें ही तो नारे लगेंगे, नारों से बदलाव नहीं होता, नारों से माहौल बन जाता है, मगर वही माहौल बिना कुछ परिणाम के और निराशा में बदल जाता है। इसलिए उसके साथ जब हमको करना पड़ेगा, ऐसी ही साधना हुई थी दोस्तों जब वृत्रासुर का वध करना पड़ा था, देवता सब भाग गए थे, वृत्रासुर को समाप्त कैसे करें, तब लोगों ने पूछा, अंत में रास्ता निकला था। रास्ता निकला ये कि जाओ दधीच के पास, ऋषि है वो, उस दधीच की हड्डियों को मांग लो तुम, उन हड्डियों से हथियार बनेगा, उस हथियार में वो ताकत होगी जो वृत्रासुर का वध कर पाएगा, जिसको वध करने में इंद्र भी अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। देवता गए दधीच के पास, दधीच तो ऐसे थे ही, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था, अपना कोई लक्ष्य नहीं था, वो तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, सुख के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए ही थे। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी हड्डी से अगर काम चलता है मैं तैयार हूं। तो गाय को बुलाया गया, गाय ने ही उनके शरीर को चाट चाट कर मांस मज्जा खून सबको अलग किया, केवल हड्डियां बच गई। लेकिन हड्डी तो मिल गई, वज्र कैसे बनता? तब सुझाया गया ब्रह्मा के द्वारा कि देख, अगर वज्र बनना है, अकेला कारीगर है जो बना सकता है, उसका नाम है विश्वकर्मा। इस हड्डी को ले जाकर विश्वकर्मा को दो, लेकिन एक शर्त है। क्या तुम्हें मालूम नहीं देवताओं कि विश्वकर्मा का भाई ही है वृत्रासुर? तो वृत्रासुर भाई होने के बाद उसको मारने के लिए इस हड्डी से वज्र बनने वाला है। विश्वकर्मा को यह भी मालूम होगा, अब
अगर विश्वकर्मा रो देगा, आंसू निकल अगर आए तो वज्र नहीं बनेगा। और एक ही दधीची है दुनिया में जिसकी हड्डी से वज्र बन सकता है। इसके लिए बिना मोह किए अगर विश्वकर्मा अपनी कारीगरी से वज्र बनाएगा तभी उस वज्र से देवत्व की रक्षा होगी। लोग आए, देवता हड्डियों को लेकर आए, विश्वकर्मा के पास आए। ब्रह्मा ने जो कहा था वो सब सुनाया विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने कहा ठीक है, यही शर्त है ना, मैं मोह छोड़ता हूं, बड़े हित के लिए मेरे भाई का बलिदान हो तो हर्ज ही क्या है। उसने बिना आंसू बहाए, बिना माथे पर शिकन लाए, बिना अपनी एकाग्रता भंग किए दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया। उस वज्र के द्वारा ही समुद्र का फेन लेकर मारा गया इंद्र के द्वारा, तब वृत्रासुर का अंत हुआ। आज भी दधीची की साधना और भगे और विश्वकर्मा का निर्मोहीपन ये आगे की लड़ाई के लिए जरूरी होगा। अपना सब कुछ दांव पर लगा करके ये कुछ मेरा नहीं है, ये सिर पर कफन बांधे हुए लोग वही दधीची के नए अवतार होंगे। उसी प्रकार जो ये ना सोचे कि किससे लड़ना है, वो सब भी तो अपने ही हैं। अर्जुन के समान विषाद ग्रस्त न होते हुए जैसा कहा गया कि पार्टियों के लोग दूसरे का भ्रष्ट है तो जोर से आंदोलन करो, अपना कोई भ्रष्ट मालूम पड़ता है तो चुप्पी लगा जाओ। इसमें मंत्र वही होगा, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है वो हमारा कितना भी प्रिय हो उसका त्याग करना पड़ेगा। सही के पक्ष में खड़े होना, गलत के खिलाफ खड़े होना, जो सही के पक्ष में होगा वो हमारा होगा, जो गलत के पक्ष में होगा हमारा नहीं होगा। होगा सही और गलत ही निर्णय करेगा कौन हमारा और कौन नहीं। इस आधार पर आगे की मुहिम होनी है मित्रों, पूरे देश में हलचल होनी है मित्रों, पूरे देश में प्रखंड से लेकर दिल्ली तक घेरा जाना है मित्रों। आप कल्पना करिए कि एक महीने तक अगर सारे ही आंदोलन के समूह इकट्ठा होकर दिल्ली में 10 लाख, प्रांत केंद्रों में 1 लाख, जिला केंद्रों में 10,000, प्रखंड केंद्रों में 1,000 लोगों के द्वारा घेराव कर दें तो एक महीने में फिर क्या होगा, क्यों बदलाव नहीं आएगा। उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी रणनीति भी बननी पड़ेगी, उसके साथ सभी सज्जन शक्तियों को इकट्ठा करने की रणनीति ही आगे काम आएगी। उसके लिए जरूरी एक बात है दोस्तों, फुटबॉल की वही टीम जीतती है जिस फुटबॉल के खिलाड़ी ये जानते हैं कि हम गोल करें जरूरी नहीं है, टीम के द्वारा गोल होना चाहिए। मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं गोल नहीं कर सकता हूं तो मैं पास दे दूं, दूसरा जो आगे मिडफील्ड में है वो गोल कर दे, टीम की जीत होने में ही मेरी जीत होगी। मैं बाल को फंसा कर रखूं केवल अपने पास और पास न दो तो विरोधी उस गेम को छीन ले जाए तो जीत ही हार में बदलती है। इसलिए अब आगे सभी आंदोलन के इच्छुक समूह अपने अपने बारे में एक टीम के नाते हम काम करेंगे। इसीलिए इस जिले में आंदोलनकारी सारे समूह एकजुट हो रहे हैं। कोई भी उनके प्रेरणा स्रोत हो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के लिए एकजुट सभी हो रहे हैं, यही अच्छी बात है। एक साथ ही घेरेंगे और सभी को साथ लेकर घेरेंगे, यही आगे की आंदोलन की रणनीति होगी। और इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग तैयार हो, एक एक कदम आगे बढ़े तो एक दीप से जले दूसरा, ऐसे अगणित दीप जले और एक एक बूंद से घड़ा बन धरता है। हम में से हर एक का योगदान है। राम सेतु भी तभी बन पाया था जब हनुमान अंगद नल नील सुग्रीव के साथ साथ उस गिलहरी ने भी अपना योगदान किया था।
गिलहरी का योगदान हनुमान के नलनील के योगदान से कम नहीं माना था श्री राम ने, इसीलिए गिलहरी को अपने हथेली में रखकर जो उन्होंने फेरा था वही तीन निशान आज भी गिलहरी की पीठ पर दिखते हैं। मित्रों, इस सब कार्य में हम में से हर एक का योगदान हो, नई तस्वीर गढ़ी जाए, नया औजार गढ़ा जाए। लोकतंत्र ही संकट में है आज, लोकतंत्र ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल न रहता हुआ लोकतंत्र अब ऑफ द कॉर्पोरेट्स बाय द कॉर्पोरेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स हो चला है। इसके इस लड़ाई की तीखी धार होनी होगी तो लोकतंत्र के ही राजनैतिक वारिस के नाते से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, जिसके अध्यक्ष उस समय चंद्रशेखर जी बनाए गए थे। डॉक्टर स्वामी के अध्यक्षता की जनता पार्टी उसी राजनैतिक आंदोलन की आज वारिस के नाते आपके सामने है, जिन्होंने जयप्रकाश जी का मान रखा है, आजादी की लड़ाई के लिए फिर से बिगुल बजाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कमांडर के नाते स्वामी आगे अगर आए हैं तो वे ही जयप्रकाश नारायण के सही वारिस हैं। और आज 5 जून के दिन संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये उस समय गूंजा था पटना के मैदान में, उस समय गूंजा था दिनकर की कविता जो डॉक्टर स्वामी कह रहे थे, परिवर्तन के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा लगा था, तुम प्रतिनिधि नहीं रहे हमारे, कुर्सी गद्दी छोड़ दो। मित्रों, उसी लड़ाई का आह्वान आज 5 जून के दिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हम सबके सामने रखा है। उस राजनीतिक औजार के समान और भी समूह जो काम कर रहे हैं सबको साथ लेकर सज्जन शक्ति, एक तरफ भ्रष्टाचारी हो दूसरी तरफ उसके विरोधी हो, ऐसी गोलबंदी के लिए भगवान हम में से हर एक को प्रेरणा दे, ताकत दे, कुशलता दे, धीरज दे, यही प्रार्थना करता हुआ आज अपनी बात पूरी करता हूं।